Nanga Parbat. सनसनाहट सी होती है जिस्म में, ऐसे लगता है जैसे बर्फ के कतरे बनते बनते रह गए हों, और जिस्म इसकी ख्वाहिश करता है कि हवा कतरों के साथ दोबारा, और वो ख्वाहिश जल्दी पूरी भी हो जाती है। और इधर आपके अगर हम राइट साइड में अमरशहर दिखा सके तो ये देखें आप, ये पूरी लैंडस्केप है, नीचे जो है चश्मे हैं, और आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे रामा जी है जो दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिहाज से दूसरे नंबर पर आती है। ये ग्लेशियर है जिसके ऊपर बहुत सारे लैंडस्लाइडिंग हुई और पत्थर गिर गए हैं जिसे ये ढके, ये ऊपर से स्लाइड्स होती हैं ग्लेशियर्स जो है नांगा पर्वत से, और इसके ऊपर हमेशा बर्फानी तूफान आ रहता है, और इतनी ऊंची है कि इसने बादलों का भी रास्ता रोका हुआ है। ये आप देख रहे होंगे कि कैसे ये खड़ी है सीना तान के, जिस ये चोटी पर हम खड़े हैं जहाँ से ये हमें नज़र आ रही है, इस चोटी का नाम सुमाइल है, और ये हमारे सामने तुशंग, इस चोटी के दूसरी साइड पे तुशंग है जहाँ पे नांगा पर्वत का बेस कैंप है, जहाँ से गैर मुल्की को पैमा यहाँ से अपना चढ़ाई शुरू करते हैं, ऊपर जाते हैं। ये नीचे देखें आप, नदी और चश्मे और छोटे नाले बह रहे हैं, ये एक बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है। और ये आप फूलों के कलर देखें, इन फूलों के नीचे ये दरख्त हैं, और ये नीचे चश्मे बह रहे हैं जहाँ पे कुछ जानवर जो हैं वो चर रहे हैं, और उसके बिल्कुल ये देखें ये बैकग्राउंड में ये रामा लेक है, रामा झील, जिसमें वो जहाँ पे अब मैं जूम आपको करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा खैमा लगा है जहाँ पे हमने रात बसर की है। बहुत खूबसूरत मनाजर है, और ये अगली हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जिसको हमने अब ऊपर चढ़ना है, और वहाँ से जाके हम आपको मजीद आगे व्यू दिखाएंगे। ये हमारी जो टीम है यहाँ के मुकामी लोग, बचा पार्टी, ये आप अपना नाम बताओ बेटा, आप बताओ आगे, आप बताओ, इंजमामुल हक, और आप वकास हैं, वो हमारा कैप्टन है हमारे साथ, और ये फूलों का पहले हमें लस्सी पिलाई है, और अब ये हमारे लिए फूल का तोहफा लेके आए हैं, थैंक यू सो मच बेटा। ये हमारा छोटा सा कैंप है जिसमें हमने रात बसर की है, नींद तो नहीं आ सकी है पहली रात, बट एक खैमा लगा के किसी भी सरजमीन पे जो पहला एहसास होता है वो बहुत ही दिलनशीन था। और दूसरी बड़ी बात ये होती है कि जब आप एक जगह पे अपना खैमा लगा लेते हैं तो आप वहाँ पे अजनबी नहीं रहते बल्कि वहीं के हो जाते हैं, और यहाँ के लोग भी आपको अजनबी नहीं समझते। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है।